स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के जितने भी प्रोडक्ट टेस्ट हुए हैं जो सेकंड हैं उनके बारे में। तो उन सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा दो दो तीन तीन मिनट के अंदर में। तो ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको सभी जो आपके प्रोडक्ट टेस्ट हुए हैं वो एक ही वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की हो। तो इसके लिए आप वीडियो को अभी कभी कर दीजिए लाइक और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे, सभी सब्जेक्ट के प्रश्न समझ में आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं। क्लास नाइन्थ का हिंदी का प्रोडक्ट टेस्ट सेकेंड, इसमें देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्क्स वेटेज जो होती है वो आपकी होती है 20 नंबर की और टाइमिंग होती है आपकी एक घंटे की। तो पहला प्रश्न है हमारा जिसमें हमें उपसर्ग और प्रत्यय और आपको समास विग्रह करके बताना होता है। तो पहले प्रश्न में देखते हैं, इसमें पूछा गया है निर्गुण जो शब्द है उसमें से आपको उपसर्ग निकालना है। तो उपसर्ग हो जाएगा हमारा निर और मूल शब्द हो जाएगा हमारा गुण, ठीक है। बी है हमारा कड़वाहट, इसमें से आपको प्रत्यय और मूल शब्द छांट के लिखना है, ठीक है। अब पहले प्रश्न का हमारा पार्ट आता है एक है जिसमें हमसे पूछा गया है समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो शिवालय, शिवालय में कौन सा समास होगा ये बताना है। और बी है हमारा त्रिफला, त्रिफला में आपको कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। और सी है हमारा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो समास वाला पार्ट है जो आपको मतलब अगर समास समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक समाज की अच्छी सी वीडियो आपको बना के दे दूंगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। तो देखते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको जो लेखक और कवि होते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यानी हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के बारे में उनका जो चरित्र हमारे सामने पेश किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। बेसिकली हमें बताना है प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न है हमारा जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है, यानी कि जो लेखिका है, लेखिका ने जवारा के नवाब के साथ अपने संबंधों को, अपने पारिवारिक संबंधों को एक स्वप्न जैसा क्यों कहा है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, इसमें आपके जो कविता वाला पार्ट होता है उससे लिए गए हैं, तीन तीन नंबर के दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है चांदी का बड़ा सा गोल खंभे में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है, यानी कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा है उसमें हमें बताना है कि कवि की वो कौन सी सूक्ष्म जो सूक्ष्म कल्पना है, जो छोटी सी कल्पना है वो कौन सी है, कौन सी हमें उससे आभास मिलता है ये बताना है। दूसरा है कविता वाला पार्ट, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए, यानी कि ये दूसरा है हमारा कि कविता में कवि ने आकाश में बादल, यानी कि जैसे आकाश में मानो बादल आ रहे हो, गांव में जैसे मानो मेहमान आ रहे हो यानी दामाद आ रहे हो, ऐसे उनके आने का एक जो रोचक वर्णन होता है, जो एक वातावरण सा बन जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सॉरी, अब दूसरा है हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर फोर है, ये पाँच नंबर का है आपका कि अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर संवाद लिखिए। तो संवाद आपको कैसे लिखना होता है, जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसमें आपको क्या करना है, पहले जैसे एक एक पॉइंट आपको बनाया कि अध्यापक ने पहले क्या कहा, ठीक है, फिर छात्र ने क्या कहा, अध्यापक ने क्या कहा, छात्र ने क्या कहा, इस तरह से आपको संवाद लिखना होता है, ठीक है। तो हिंदी का ये पेपर आज का हमारा ख़त्म हुआ। टेस्ट सेकंड है इंग्लिश का, ठीक है। तो ये क्लास नाइन्थ का प्रोडक्ट टेस्ट है जो कि नवंबर के महीने में हुआ है सेकंड। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपका ये पेपर आया था। तो ये जो है आपका 20 मार्क्स का रहता है और वेटिंग टाइम होते मतलब जो आपका टाइमिंग होती है वो होती है आपकी एक घंटे की। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है हमारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाला, जैसे ये देखिए इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई ऑप्शन मतलब जैसे ये आपका एक रिक्त स्थान है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आएगा या द आएगा, ठीक है। तो जैसे गंगा रिवर है तो गंगा के लिए आएगा द गंगा रिवर, ठीक है। द गंगा रिवर इज़ ए वेरी, क्योंकि एन आता है हमेशा वोवल्स के साथ में, ठीक है। ये है हमारा, तो ऐसे ही आपके जो भी ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स है वो आप देख लीजिएगा,
ठीक है, ये आपके 5 हैं, एक एक नंबर के सभी प्रश्न हैं आपके। सेकंड रहेगा अब हमारा आंसर द एनी टू क्वेश्चन फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स। तो इसमें आपको ये जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें से आपको कोई 2 ही करने हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 2 की जगह आप 3 ही कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, इसमें भी आपको कोई 2 ही आंसर देने हैं, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा, जैसे व्हाट फाइनली किल्स द ट्री, ठीक है। सेकंड है हाउ डड द संतोष यादव बिगिन टू क्लेम माउंटेन्स, और तीसरा है व्हाट इज़ द ब्रह्मांस मास्टर पीस, व्हाट मेक्स यू से सो। तो बेसिकली इसमें क्या है, आपका जो कविता वाला पार्ट है उससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न है, इसमें से आपको 2 ही करने हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 3 ही कीजिए क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये 5 नंबर का है, इसमें आपको क्या करना है, एक तो आपको डायरी लिखनी है और एक आपको पैराग्राफ लिखना है। तो बेसिकली अगर आप डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डायरी कैसे लिखनी होती है, जैसे आप शुरू से लेकर एंड तक आपने क्या क्या किया उसी के बारे में बताना होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा हिंदी का नहीं, ये इंग्लिश का हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर था, प्रीओडी टेस्ट 2। तो ये अब है हमारा तीसरा मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी मैं हिंदी और इंग्लिश के अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए ये आपका मार्क्स वेटेज एक होती है आपकी 20 मार्क्स की और टाइमिंग होती है आपकी 1 आवर की। उसके बाद ये देखिए दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही प्रश्न आपको पढ़ के बता दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए जैसे आपके इंग्लिश के प्रश्न हैं, तो वो जो बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट से पढ़ते हैं मैथ को, तो वो आप वीडियो को पॉज करके उससे पढ़ लीजिए, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ आपके क्या प्रश्न रहेंगे। तो एक एक नंबर के आपके 5 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ आपको इसे कैसे भरना है। पहला जो पॉइंट है एक नंबर का, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा कौन सी होते हैं ये आपको बतानी है। सेकंड है वर्ग के विकर्ण कौन से होते हैं, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं ये आपको बताना है। और तीसरा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है ये आपको बताना है, अगर उनका आधार एक हो और दोनों एक ही समांतर रेखा पर बने हों, ठीक है। पाँचवा है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताना है। और पांचवा है वर्ग के विकर्ण डैश पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपको प्रश्नों के आंसर एक एक नंबर के पता होने चाहिए। बेसिकली आपके जैसे उदाहरण दिए होते हैं और उससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, जिसमें से आपको बताना है यदि किसी चतुर्भुज के कोण 2, 3, 4, 5, 6 के अनुपात में है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें आपका ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपका 6 है, तो इसके आपको कोण ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 नंबर का है आपका, इसमें आपको बताना है कि एक त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा पर स्थित है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर² हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही ईजी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं वो आप वीडियो को पॉज करके इस इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ लीजिए अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है। तो देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है आपका 3 नंबर का है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। तो देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर चतुर्भुज, ये आपका चतुर्भुज है ए बी सी डी में, यानी कि ये यहाँ से ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें से बी सी यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर और ए एम यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट है ये है हमारा 5 सेंटीमीटर और ए भी है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आपको मान ज्ञात करना है सी एन का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा 3 नंबर का है, इसमें हमसे पूछा गया है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। यानी आपको ये बताना है यदि कोई समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर हैं तो हमें ये बताना है कि वह एक आयत है या नहीं है। तो हमें बताना है हाँ ये आयत होता है, कैसे ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में समद्विभाजक करते हैं। यह बेसिकली आपकी जो प्रमेय हैं ये दोनों प्रमेय हैं आपकी, ठीक है। तो ये प्रमेय अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यही था दोस्तों आज का हमारा ये तीसरा
मैथमेटिक्स का पीरियोडिक टेस्ट सेकेंड। तो ये चौथा है हमारा, देखते हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर कैसे आया था। तो देखिए मार्क्स वेटेज 20 और टाइमिंग 1 आवर। तो इसमें हम देखते हैं हमारे एक प्रश्न जो है वो किस तरह से होते हैं। तो इसमें पहले बेसिकली आपको फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला आपको किसका बताना है, वॉल्यूम ऑफ जी, यानी कि जी का वॉल्यूम क्या होता है, इसका आपको फॉर्मूला बताना है। फिर आपको प्रेशर का फॉर्मूला बताना है, यानी कि दबाव का क्या फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अपेक्षिक घनत्व से आप क्या समझते हैं। जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है, यानी कि जो वायुमंडल है वो हम जी रहे हैं उसके लिए क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ओजोन परत के ह्रास का क्या कारण है, यानी कि जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसका मेनली क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस है उसका प्रभाव क्या होता है, ये आपको बताना है। और कोई भी एक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको बता देना है, तो आपका एक नंबर इसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसका आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्रव्यमान व भार में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि एक तो होता है आपका द्रव्यमान, एक होता है आपका भार, तो इसमें आपको अंतर बताना है क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बन या नाइट्रोजन चक्रण का चित्रण है, यानी एक तो आपका कार्बन होता है एक नाइट्रोजन होता है, इसका आपको एक चक्र बना के इसको चित्रण करना है, नामांकित भी करना है साथ में, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा साइंस का क्वेश्चन पेपर था जो हमारा प्रोडक्ट टेस्ट सेकेंड हुए हैं उसी के बारे में। तो अब है हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का, पांचवा है ये सॉरी। तो देखते हैं इसमें किस तरह से आपके प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न है हमारा एक नंबर का, भारत के प्रथम वन महानिदेशक कौन थे, यानी कि वन महानिदेशक जो हैं वो भारत के कौन थे। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, वन उन्मूलन के मतलब वन उन्मूलन जो है वो हम किसे कहते हैं। तो इसको हमने एक ही साथ लिखा है, वनोन्मूलन क्या होता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, यानी वो कौन सा महीना होता है जब भारत में मानसून का आगमन होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर है, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, यानी जो एशियाई शेर होते हैं वो भारत के ऐसे कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, देशज वनस्पति किसे कहते हैं, यानी वे कौन सी वनस्पति हैं जिन्हें हम देशज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारत की शीत ऋतु की विशेषताएं बताइए, यानी कि भारत में पाई जाने वाली शीत ऋतु होती हैं उनकी आपको विशेषताएं यहाँ पे बतानी है। सातवां है, भारत के किन्हीं दो नेशनल पार्कों के नाम बताइए, यानी भारत में जो नेशनल पार्क है, जो बड़े बड़े पार्क होते हैं जिन्हें नेशनलिटी दी गई है, उनके कोई दो नाम आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, कांटेदार वन के वृक्षों की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो कांटेदार वन होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी विशेषताएं आपको बतानी है, कोई तीन। क्वेश्चन नंबर नौवा है, बस्तर के लोगों को विद्रोह क्यों किया, यानी कि जो बस्तर में रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या कारण था ऐसा जिसकी वजह से उन्होंने उस सरकार के खिलाफ वहाँ के लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दस, वन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को लिखिए, यानी कि जो वन उत्पाद होते हैं उसके हमारे आम जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं ये आपको बताना है। तो ये था दोस्तों हमारा सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, ओके। अब है हमारा पांचवा प्रश्न पत्र ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो देखते हैं इसमें किस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर मतलब जो क्वेश्चन थे वो आए थे। बेसिकली ये आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है क्योंकि ये आपकी इंग्लिश का ही होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है जिसमें आपसे पूछा गया है। टीम वर्क कैपेबिलिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि जो हम एक टीम में काम करते हैं उसका एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुतुब मीनार इज़ इन मतलब कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। सेकंड है, टूरिज़्म क्या है, टूरिज़्म एक प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर, चार धाम इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट टूरिज़्म और रिलीजन टूरिज़्म, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर फाइव, पुष्कर फेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब पुष्कर फेयर जो है वो कहाँ पे लगता है, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल टूरिज्म, ओके। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफाइंड टूरिज्म, यानी कि
जो हम पढ़ते हैं पर्यटक पढ़ते हैं ये होता क्या है, तो टूरिज्म क्या होता है ये आपको बताना है। ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय द इनबाउंड टूरिज्म, यानी कि इनबाउंड टूरिज्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय स्किल रूट, स्किल रूट नहीं सॉरी सिल्क रूट। तो सिल्क रूट क्या होता है और इसकी शुरुआत किसने की थी, किसने खोज की थी, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ ग्रैंड टूर, यानी कि ग्रैंड टूर क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। तो दोस्तों टूरिज्म का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया, और आज हमारे जो क्लास 9th के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर थे प्रीलिमिनरी टेस्ट 2 के, वो आज मैंने सभी ख़त्म कर दिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th के प्रीलिमिनरी टेस्ट जो सेकेंड हुए हैं वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए हैं और अच्छे से समझाए भी हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और उन्हें इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा जो कंटेंट है वो मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम अपने अगली वीडियोज़ में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।